ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। नारद के वचनों को सुनते हैं 40वें श्लोक से। आत्मानं चेद् विजानीया परम ज्ञान दुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतो देहं पुष्णाति लम्पटः। मेरे साथ पढ़िए। आत्मानं चेद् विजानीयात्। आत्मानं चेद् विजानीयात् परम ज्ञान दुताशयः। परम ज्ञान दुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतो किमिच्छन् कस्य वा हेतो देहं पुष्णाति लम्पटः। आत्मानम्, आत्मा तथा परमात्मा को चेद यदि बिजानियात समझ सकता है, परम दिव्य इस जगत से परे ज्ञान ज्ञान से दुत आशय है, जिसने अपनी चेतना विमल कर ली है, जिसकी तेजना शुद्ध हो गई है। किम क्या इच्छन भौतिक सुविधाओं की इच्छा करते हुए कस्य इसके लिए वह अथवा हेतु किस कारण से देहम भौतिक शरीर को पुष्णादि पालन पोषण करता है लंपटः अवैध रूप से इंद्र तृप्ति में अनुरक्त रहकर। मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है। जाने की निमित्त होता है। हाँ, कि हम आत्मा और परमात्मा को समझ सकें, इसलिए हमको शरीर दिया जाता है। कौन सा? मनुष्य का। मनुष्य की बात करें, पशुओं के लिए। और ये नारद कह रहे हैं, और ये दोनों आध्यात्मिक पथ पर स्थित हैं। कौन? आत्मा और परमात्मा। यदि उच्च ज्ञान से परिष्कृत हुए व्यक्ति द्वारा इन दोनों को जाना जा सकता है तो फिर मूर्ख तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस शरीर का पालन इंद्र तृप्ति के लिए करता है। हाँ, बहुत अच्छा है कि शरीर तो मिला है हमको भगवान ने, बहुत समय के बाद मनुष्य शरीर दिया कि आत्मा परमात्मा को समझ दू और मेरे पास आ।
और हम उस शरीर को आत्मतृप्त के लगाते हैं। तो नारद कहते हैं जब ये समझ आ जाए तो फिर इंद्र तृप्ति में लगने का क्या मतलब है, फिर तो भगवत भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि आपको क्या जीवन का उद्देश्य वैसे भी एक है, आनंद प्राप्त करना। और आनंद आनंद तभी आता है जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा श्लोक है, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रपात के द्वारा, शिला प्रपात की जय। निस्संदेह इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर का पालन पोषण करने में रुचि रखता है, किंतु ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे यह जान लेना चाहिए मनुष्य को यह धीरे धीरे जान लेना चाहिए कि शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही भौतिक जगत से परे हैं। इससे मनुष्य जीवन में विशेष रूप से जब कोई संन्यास ग्रहण करता है समझ लेना चाहिए। जिस संन्यासी ने आत्मा को समझ लिया है उसे आत्मा को ऊपर उठाने तथा परमात्मा की संगति करने में लगाना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीव को ऊपर उठाकर भगवत धाम वापस ले जाने के निमित्त है। ऐसे उत्थान के लिए प्रयास करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। जब कोई अपना यह कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वह शरीर का पालन क्यों करे? विशेष रूप से जब सन्यासी न केवल साधारण उपायों द्वारा शरीर पालन की चेष्टा करता है अपितु मांसाहार तथा अन्य गर्हित वस्तुओं के द्वारा शरीर का पालन करता है तो वह लंपट होता है। ऐसा लालची व्यक्ति जो इंद्र तृप्ति मात्र में लगा रहता है, सन्यासी को जीभ पेट तथा प्रजनन इंद्रियों की सारी प्रेरणाओं से विलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तब तक विचलित करती हैं जब तक वह यह नहीं जान लेता कि शरीर आत्मा से भिन्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये पढ़ते पढ़ते ज्ञान होते होते ये हरे कृष्ण महामंत्र जपते जपते ये ज्ञान हो जाना चाहिए, पर्टिकुलरली जब तक आदमी संन्यास के लेवल तक पहुंचता है कि शरीर आत्मा नहीं है। ये समझ लेने पर ये जब ज्ञान हो जाता, प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि वो तो गृहस्थ में भी रहे थे, उसके बाद वानप्रस्थ भी रहा उनका, उनके पास उनसे संन्यास लिया। उनको ये कह रहे हैं कि जब ये, क्योंकि प्रभुपाद ने संन्यास लेने में उनका वानप्रस्थ में ही बहुत टाइम लगा था, क्योंकि वो गृहस्थ में थे। तो जब जब ये समझ आ जाए हाँ नहीं मैं ये शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, तो आप संन्यास बनने के लिए बिल्कुल फिट है। संन्यास तभी धारण करना चाहिए, ये मतलब है। आहुः शरीरं रथम इंद्रियाणि भयान अभीषोन्मन इंद्रियेशम वर्तमानि मात्रा दिश्वां च सूतम स्वतम बृहद बंधुरम ईशश्रेष्ठम। मेरे साथ आहुः शरीरं रथम इंद्रियाणि आहु आहो शरीरम शरीरम रथम रथम इंद्रियाणि इंद्रियाणि भयान अभीष्मन् इंद्रियेषम भयानभिषोन्मन वर्तमानि इंद्रियेषम मात्रा धिष्णाम च सूतम वर्तमानि च मात्रा धिष्णाम च सूतम तत्त्वं बृहद् बन्धुम् ईशश्रेष्ठम। बंधुरम बहुत अच्छा शब्दार्थ है। आहु कहा गया है शरीरम शरीर को, रथम रथ इंद्रियाणि इंद्रियों को, अयान घोड़े, अभिसून लगाम मनः मन इंद्रिय इंद्रियों को, ईशम स्वामी वर्तमानी लक्ष्य मात्रा इंद्रिय विषय तन मात्रा है कहते हैं इंद्रिय विषय को, इस्लाम बुद्धि को च तथा सूतम सारथी रथ हाँकने वाला सत्वम चेतना को बृहत महान बंधुरम बंधन ईश परमेश्वर द्वारा
सिस्टम रचा गया। मेरे साथ पढ़े, ज्ञान में बड़े चढ़े अध्यात्मवादी, ज्ञान में बड़े चले अध्यात्मवादी, भगवान के आदेश के बने शरीर की तुलना, भगवान के आदेश के बने बने शरीर शरीर की की तुलना रथ से करते हैं, रथ से रथ करते हैं। करती है। हाँ, रथ हो गया शरीर और आंकने वाला आत्मा हो गया। इंद्रियां घोड़ों के तुल्य हैं, इंद्रियां इंद्रियां घोड़ों घोड़ों के के तुल्य तुल्य है, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम सदृश है, इंद्रियों का इंद्रियों का स्वामी स्वामी मन मन लगाम लगाम सदृश सदृश है, है, इंद्र विषय गंतव्य है, इंद्र इंद्रियों विषय की गंतव्य गंतव्य है, है। हाँ, लक्ष्य जो है बुद्धि सारथी है, या बुद्धि बुद्धि मैं सारथी है, आत्मा मैं आत्मा कह रहा था, आत्मा नहीं बुद्धि सारथी है, ये दिखाया था एक 18 दिन की भगवत गीता में, ये आपको दिखाया, बुद्धि सारथी है और आत्मा कहाँ है, बैठी है पीछे, और सारे शरीर को व्याप्त चेतना, और और सारे शरीर में सारे सारे शरीर शरीर में में व्याप्त व्यक्त चेतना करना इस भौतिक जगत के बंधन का कारण है, इस इस भौतिक भौतिक जगत जगत के के बंधन बंधन का का कारण है। कारण जो चेतना हमारे शरीर में है, लेकिन यही चेतना अगर शुद्ध हो जाती है तो आप कृष्णमय हो जाते हैं। तात्पर्य माता जी, है। कृष्णा रीता कथुरिया माता जी, रीता माता जी अनम्यूट कीजिए। रीता कथुरिया माता जी, हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिकवादी जीवन में मोहग्रस्त व्यक्ति हेतु इंद्रिय तृप्ति में लगे शरीर मन तथा इंद्रिया बारंबार जन्म मृत्यु तथा रोग के बंधन के कारण है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं उनके लिए वही शरीर इंद्रियां तथा मन मुक्ति के कारण है। इसकी पुष्टि कठ उपनिषद 1.3.3 से 4 तक 9 में की गई है। आत्मानं रथिनं वृद्धि शरीरं रथम एव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम एव च इन्द्रियाणि अह्यानाहुर् विषयास्ते सुगोचरान् परमात्मा परमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम्। अर्थात अब आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है, बुद्धि जिसका सारथी है, मन गंतव्य तक पहुंचने का संकल्प है, इंद्रियां घोड़े हैं और इंद्रिय विषय इसी कार्य में सम्मिलित हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने गंतव्य भगवान श्री विष्णु तक पहुंच सकता है, जो जीवन के परम लक्ष्य यानी परम पदम है। बद्ध जीवन में शरीर की चेतना बंधन का कारण है, किंतु यही चेतना जब कृष्ण भावनामृत में रूपांतरित होती है तो यह सबके भगवत धाम लौटने का कारण बनती है। इसलिए मनुष्य शरीर का उपयोग 2 प्रकार से किया जा सकता है। अज्ञान के गहनतम भागों में जाने हेतु या भगवत धाम वापस जाने हेतु भगवत धाम जाने का मार्ग महत सेवा अर्थात स्वरूप सिद्ध गुरु स्वीकार करना है। महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते, मुक्ति हेतु प्रामाणिक भक्तों के निर्देश मानने चाहिए, क्योंकि वे ही वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। दूसरी ओर तमो द्वारम यशो योषिताम संगी संगम, यदि कोई भौतिक अस्तित्व के गहनतम भागों में जाना चाहता है तो वह स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की संगति करता रह सकता है। योषिताम संगी संगम, योषित शब्द का अर्थ है स्त्री। जो व्यक्ति अत्यधिक भौतिकवादी होते हैं वे स्त्रियों के प्रति आसक्त रहते हैं, इसलिए कहा गया है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथम एव च। यह शरीर एक रथ या कार की तरह है जिससे कहीं भी जाया जा सकता है, चाहे इसे कुशलता से चलाए या फिर मनमाने ढंग से, तब वह किसी गड्ढे में गिर सकता है,
दूसरे शब्दों में यदि कोई अनुभवी गुरु के से आदेश ग्रहण करता है तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है, अन्यथा वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अतएव भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं, अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर श्रद्धालु नहीं है, हे शत्रुओं के विजेता, वे मुझे नहीं पा सकते, अपितु इस भौतिक संसार में जन्म मरण में लौट आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.3। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि कोई किस प्रकार भगवत धाम लौट सकता है, किंतु यदि कोई उनके उपदेशों पर ध्यान देने की चिंता नहीं करता तो परिणाम यह होगा कि वह भगवत धाम कभी वापस नहीं जाएगा, बल्कि इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के दुखमय चक्र में जीवन बिताता रहेगा। मृत्यु संसार वर्तमनी। अतएव अनुभवी आध्यात्मवादियों की सलाह है कि शरीर को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में लगाए रखा जाए। स्वार्थ गतिम। जीवन का वास्तविक स्वार्थ या लक्ष्य तो भगवत धाम प्राप्त होना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक वैदिक ग्रंथ हैं, यथा वेदांत सूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत तथा रामायण। मनुष्य को इन वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और निवृत्ति मार्ग का अभ्यास करना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो सकेगा। शरीर तब तक महत्वपूर्ण है जब तक उसमें चेतना है। चेतनाहीन शरीर पदार्थ का पिंड मात्र होता है। अतएव भगवत धाम वापस जाने हेतु मनुष्य को अपनी चेतना बदलनी चाहिए। भौतिक चेतना से कृष्ण चेतना में मनुष्य की चेतना ही उसके भौतिक बंधन का कारण है, किंतु यदि इस चेतना को भक्ति योग से शुद्ध कर दिया जाए तो उसे अपनी उपाधि की वह भारतीय, अमरीकी, हिंदू, मुसलमान, ईसाई है, असत्यता का बोध हो सकेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मनुष्य को ये समस्त उपाधियां भूलकर अपनी चेतना का उपयोग केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। अतएव यदि कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता कृष्णा जी। माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू तो माता जी। ये हमने दोनों चीजें हैं, अगर इस जीवन का उपयोग किया भगवत धाम, नहीं किया जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर 84 लाख में घूमना पड़ेगा। और ये इतना अच्छी तरह समझाया है कि इसी जो नारद कह रहे हैं, जब पता लग गया इस शरीर का उपयोग भगवत धाम जाने के लिए किया जा सकता है, तो फिर शरीर का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए क्यों? ये इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए क्यों है, जो नराधम हैं, जिनको बुद्धि जिनकी भ्रष्ट हो गई है, वो उस तरफ मुड़ते हैं, इंद्र तृप्ति की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन अगर आपने इंद्र तृप्ति के लिए भी गए तो भी रास्ता है, क्योंकि आपने ग्रस्त दिया, ग्रस्त में आप इंद्र तृप्ति में फंसते हैं। और इसके बाद, क्योंकि आप एक ही चीज नहीं, खाली एक चीज की तृप्ति नहीं, आप फिर पूरा आपका समाज हो जाता है, आप हो गए, आपकी पत्नी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर रिश्तेदार हो गए, फिर आपका और सगे संबंधी हो गए, फिर समाज हो गया, फिर आपका राष्ट्र हो गया, फिर इसके इसमें चक्कर में आप पड़ जाते हैं, क्योंकि वो चक्कर भौतिकतावादी जीवन के लिए कोई गलत नहीं, इसलिए भगवान ने दिया है। तेरे को मजे करने हैं, कर, तेरे को ये अच्छा लगता है, कर। हाँ, अगर तेरे को लगता है वहां सुख नहीं है तो वापिस आ, अपने घर वापिस आ, तो उसके लिए तरीका बताया। तो ये दोनों में चॉइस हमारी है कि हम यहीं सड़े रहना चाहते हैं या हम दिव्य बन करके वैकुंठ धाम में रहना चाहते हैं। तो ये जहाँ कोई आपको कोई ये परेशानी, डर तो नाम की चीज है ही नहीं, वहां
क्योंकि डर तो हमारे भौतिक जगत में, अरे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वहां कुछ नहीं हो जाएगा, वहां कुछ बदलता ही नहीं, आप जवान जवान रहे बस, कोई फावड़े नहीं चलाने आपको, कोई परिश्रम भौतिक चीज तो वहां होती नहीं है। अगर आपने कुछ काम भी किया आप थकते नहीं क्योंकि आप जवान हैं, तो सब कुछ अच्छा है। ये बुद्धि अपनी है कि बुद्धि है, गुरु लीजिए, गुरु से गुरु होना जरूरी है क्योंकि भगवत धाम आप बिना गुरु के नहीं जा सकते, तो गुरु होना जरूरी है। प्रभुपाद ने बताया है कि आप गुरु लीजिए, उसके बाद गुरु ने जैसा कहा है वैसा, गुरु ने वही कहना है जो प्रभुपाद कह के गए हैं कि 16 माला जपो कम से कम, 4 पाप कर्म मत करो, खाना सात्विक खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, बस ये कहा है। तो कठिन नहीं है, लेकिन हमारा मन क्योंकि माया की तरफ ज्यादा झुक जाता है, माया खींच लेती है, इसलिए मन भौतिक जगत में हम ज्यादा अटक जाते हैं। अक्षम 10 प्राण, अक्षम 10 प्राणम, अधर्म धर्मो चक्रे अभिमानम रतिनम च जीवन जीवम तनुर्हि तस्य प्रणमं पठन्ति शरम तु जीवं परमेव लक्ष्यम्। मेरे साथ, अक्षम 10 प्राणम अधर्म धर्मो, अक्षम अक्षम दश दश प्राणम अधर्म प्राणम धर्मो, चक्रे अभिमानं रथिनं च जीवं, चक्रे चक्रे अभिमानं रथिनं च अभिमानं जीवं, रथिनं च धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति, धनुर्हि धनुर्हि तस्य तस्य प्रणवं पठन्ति, प्रणवं शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्। शरं शरमितु तु जीवं जीवं परमेव लक्ष्यम्। परमेव शब्दार्थ है अक्षम, अरा रथ के पहिए जो जिसको स्पोक कहते हैं, 10 10 प्राणम शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाली 10 प्रकार की वायु, अभी 10 बताया, 5 वायु हैं प्राण वायु, प्राण उपवायु, अधर्म अधर्म धर्मो तथा धर्म पहिए के ऊपरी तथा निचले भाग, चक्रे पहिए में अभिमानम मिथ्या पहचान, रथिनम रथ का स्वामी या शरीर का स्वामी, च भी जीवम जीव, धनु धनुष ही निसंदेह तस्य उसका, प्रणवम वैदिक ओंकार मंत्र प्रणव, पठंती कहा जाता है, शरम तीर तू, लेकिन जीवम जीव, परम परमेश्वर एवं निसंदेह लक्ष्यम लक्ष्य। अब फिलोसफी पर आ रहे हैं, नारद दर्शन पर आ गए। अब मेरे साथ पढ़िए, शरीर के भीतर कार्यशील, शरीर के शरीर भीतर प्रकार की कार्यशील 10 प्रकार की वायु की तुलना, दस 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 प्रकार की की वायु वायु की तुलना की आप तुलना रथ के पहिए के, रथ के पहिए के पहिए के अरों से की गई है, अरों से अरों से की की गई गई है, की गई है। हाँ, कल हमने पढ़ा था कि उनको आप ये अरों को क्या लिख दिया, इंद्रिय 10, या 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय दिया था, यहाँ पर आप किसी भी तरह आप समझ सकते हैं। और इस पहिए के ऊपरी तथा निचले भाग, और इस और पहिए के ऊपरी तथा निचले भाग धर्म धर्म तथा अधर्म कहलाते हैं, तथा अधर्म कहलाते हैं। धर्म कहलाते धर्म ऊपर अधर्म नीचे, पहिया घुमा आप धर्म हो गए, नीचे गए अधर्म हो। देहात्म बुद्धि में रहने वाला जीव, देहात्म आत्म बुद्धि बुद्धि में में रहने रहने वाला वाला जीव 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 रथ का स्वामी है, रथ का रथ का स्वामी है। स्वामी है। हाँ, मैं ये पहले ही सोच रहा था, अब ये देहात्म बुद्धि में रहने वाला जीव, जीव का मतलब जो आत्मा है हमारे, जीव का मतलब आत्मा, वैदिक प्रणव मंत्र ही धनुष है, वैदिक प्रणव मंत्र ही धनुष है, वैदिक साक्षात शुद्ध जीव तीर है, साक्षात साक्षात शुद्ध शुद्ध जीव जीव तीर तीर है है, और परम पुरुष उसका लक्ष्य है, और परम और पुरुष उसका परम पुरुष लक्ष्य है। उसका लक्ष्य है।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, भौतिक शरीर के अंदर 10 प्रकार की वायुओं का संचार सदा होता रहता है। इनके नाम है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त तथा धनंजय। इनकी तुलना यहाँ रथ के पहियों के अरों से की गई है। प्राण वायु जीवों के समस्त क्रियाकलापों की शक्ति है और ये कार्यकलाप कभी धार्मिक होते हैं तो कभी अधार्मिक। इस प्रकार धर्म तथा अधर्म रथ के पहियों के ऊपरी तथा निचले भाग कहे जाते हैं। जब जीव भगवत धाम वापस जाने का निश्चय करता है तो उसके लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु रहते हैं। जीवन के बद्धावस्था में मनुष्य नहीं समझ पाता कि उसके जीवन लक्ष्य परमेश्वर है। नते विदुहु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः। जीव इस भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयास करता है किंतु वह अपने जीवन लक्ष्य को नहीं जान पाता। किंतु जब वह शुद्ध हो जाता है तब वह देहात्म बुद्धि की अवधारणा को त्याग देता है और वह अपने आप को किसी जाति, राष्ट्र, समाज, परिवार इत्यादि से संबंधित होने की झूठी पहचान को त्याग देता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तब वह अपने विमल जीवन का तीर लेकर प्रणव या हरे कृष्ण मंत्र के दिव्य कीर्तन रूपी धनुष की सहायता से अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर फेंकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका की है कि चूंकि इस श्लोक में धनुष और बाण शब्द आए हैं अतएव कोई यह तर्क कर सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीव परस्पर शत्रु हो गए हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भले ही जीव के तथाकथित शत्रु बन जाए किंतु यह श्री भगवान का वीर रस से युक्त विनोद है। उदाहरणार्थ श्री भगवान ने भीष्म देव से युद्ध किया और जब भीष्म देव ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री भगवान के शरीर को तीरों से भेद डाला तो यह 12 प्रकार के भावों में से एक प्रकार का भाव या संबंध था। जब बद्ध जीव श्री भगवान पर तीर चलाकर उन तक पहुंचना चाहता है तो श्री भगवान को आनंद मिलता है और जीव को भगवत धाम वापस जाने का लाभ मिलता है। इस संबंध में दिया गया अन्य उदाहरण अर्जुन का है जिसने आधार मीन या चक्र के अंदर लगी मछली को वेद कर द्रौपदी की संगति प्राप्त की। इसी प्रकार यदि कोई श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन रूपी बाण से भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को वेद देता है तो उसे भक्ति के इस शौर्यपूर्ण कार्य हेतु भगवत धाम वापस जाने का लाभ मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये लास्ट में अच्छा लगा, पहले अच्छा नहीं लग रहा था कि भगवान पर हम तीर डालें। हाँ, कौन से तीर ये बताया यहाँ। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन रूपी बाण से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये अर्पित करता भगवान के चरणों में, ये तीर रूपी शब्द भगवान के चरणों को भेद रहा है। ऐसा ऐसा ये तो बहुत अच्छी बात है ऐसा करना। लास्ट में प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह उसको मोड़ दिया तो उसे भक्ति के इस शौर्य पूरे कार्य के लिए भगवत धाम जाने का लाभ मिल सकता है। भगवान अगर ऐसा करते हैं, भगवान आपके सिर पर हाथ रखेंगे, बस हो गया कल्याण हमारा। रागो द्वेषः च लोभश्च शोक मोह भयम् मदः मानो अवमानो असूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः सुनिद्रा शत्रवः। तू पढ़ लेते हैं। शत्रवः तु एवम् आदयः रजः तमः प्रकृतयः स्वत्व प्रकृतयः क्वचित्। मेरे साथ पढ़िए। रागो द्वेषश्च लोभश्च शोक मोह भयं मदः मानो अवमानो असूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवः तु एवम् आदयः
शत्रुभवतु प्रकृतयः क्वचित् शब्दार्थ रागः आसक्ति द्वेषः शत्रुता च भी लोभः लालच च भी शोक संताप मोह मोह भयं भय मदः पागलपन मानः प्रतिष्ठा अवमानः अपमान असूया छिद्रान्वेषण किसी की टीका टिप्पणी करना दूसरे के कार्यों में दोष ढूंढना ये हमारा सबसे बौद्धिक जगत में बहुत मजेदार चीज है। च भी माया छलावा हिंसा ईर्ष्या च भी मत्सर असहिष्णुता रजह रजोगुण कामेच्छा प्रमादः मोह क्षुत भूख निद्रा नींद शत्रव शत्रु तो निसंदेह एवं आदेह जीव के अन्य ऐसी ही धारणाएं धारणाएं धारणाओं तक रज तम रजो तथा तमोगुण प्रकृति कारण सत्व सत्वगुण से प्रकृति कारण क्वचित कभी कभी मेरे साथ पढ़िए बद्ध अवस्था में मनुष्य की जीवन संबंधी धारणाएं मनुष्य की जीवन संबंधी हाँ बद्ध अवस्था में जब हम बद्ध अवस्था में कभी 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 कामेच्छा कामेच्छा तथा अज्ञान तथा अज्ञान रजो तथा तमोगुण के कारण दूषित हो जाती रजो तथा तमोगुण के कारण दूषित हो जाती है जो आसक्ति जो आसक्ति शत्रुता शत्रुता लोभ लोभ शोक शोक मोह मोह भय भय मद 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 झूठी प्रतिष्ठा झूठी प्रतिष्ठा अपमान अपमान छिद्रान्वेषण छिद्रान्वेषण छलावा 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 ईर्ष्या ईर्ष्या असहिष्णुता असहिष्णुता कामेच्छा कामेच्छा मोह मोह भूख तथा निद्रा के रूप में प्रकट होती है भूख तथा निद्रा के रूप में प्रकट होती है। हाँ भौतिक जगत में ये सब में ये हमने शायद एक आध चीज मुझे लगता है छलावा शायद नहीं किया हो बाकी तो सब हमने अनुभव किए हैं ये सभी शत्रु हैं ये सभी शत्रु हैं। कभी कभी सतोगुण के द्वारा भी कभी कभी सतोगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती हैं मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती है। हाँ सतोगुण में ये चीजें नहीं होती लेकिन सतोगुण में और चीजें होती हैं क्या सतोगुण में एक तो सबसे बड़ा ये है कि सतोगुणी व्यक्ति को सब सम्मान देते हैं उसमें घमंड आ जाता है अहंकार आ जाता है सब में आए नहीं कह रहा हूं मैं जो सतोगुण से आगे बढ़ रहा है उसमें नहीं सतोगुण में द्वार खुल गया कपाट खुल गया आपको लगा अरे यहाँ तो आगे तो बहुत गजब की चीज है मैं कहाँ फंसा हुआ था यहाँ भौतिक जगत में ये ज्ञान आने लगता है लेकिन कुछों में कुछों का कपाट नहीं खुलता उनको लगता है अरे मैं तो ये जितने हैं इनमें सबसे अच्छा हूँ सब लोग मेरे पैर छूते हैं अहंकार दूसरा दूसरा अभी वो शुद्ध नहीं हुआ और अभी फिसल के नीचे रजोगुण में जा सकता है यहां तक कि कभी कभी तमोगुण में भी चला जाता है ये है सतोगुण का अवगुण ये और ये चीजें जितनी भी हैं अगर आप सतोगुण से सतोगुण में आ जाए तो ये चीजें सब खत्म सतोगुण से ताकि आपको खतरा बना हुआ है फिर भी आप शुद्ध सत्व में जाने का कोशिश करिए आप सतोगुण में तो रहना ही चाहिए हमको तभी हम शुद्ध सत्व की सोच सकते हैं कब गुणाती प्रकृति के गुण छू नहीं सकते आपको इन गुणों को लागना है आपको वो हमारा लक्ष्य ये आप
करते 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 अवश्य होगा कि सुखदेव गोस्वामी ने तक कहा है कि 11वें स्कंद में पढ़ेंगे कि ये कलयुग बहुत ही खराब है, कला का युग है। यहाँ कोई एक दूसरे से खुश नहीं, कोई एक दूसरे का मित्र नहीं, इतना खराब है। लेकिन एक चीज यहाँ गजब की है, क्या? भगवान भगवान का नाम जप करके वैकुंठ जा सकता है। ये कलयुग में है, और जगह नहीं। और उसके लिए भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में बता के गए क्या करना है कलयुग। तो ये कलयुग का अगर वो फायदा हमने नहीं उठा सका तो हम ठगे गए। बहुत अच्छा शब्द है कि हम मनुष्य होते हुए भी ठगे गए। तात्पर्य माता, हरे कृष्णा राधारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, एक सेकंड फैन बंद कर दें, फैन से डिस्टर्ब। जीवन का असली उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है, किंतु प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा, कभी रजोगुण तथा तमोगुण के मेल से तो कभी सतोगुण के द्वारा अनेक व्यवधान आते रहते हैं। इस भौतिक जगत में यदि कोई भौतिकवादी दृष्टि से परोपकारी, राष्ट्रवादी तथा अच्छा व्यक्ति भी हो तो जीवन की ये सारी धारणाएं आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हो जाती हैं। तो फिर शत्रुता, लालच, मोह, शोक तथा भोग के प्रति अत्यधिक आसक्ति न जाने कितनी बड़ी बाधक होंगी। विष्णु रूपी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो हमारा असली लक्ष्य है, इन विभिन्न अवरोधों और शत्रुओं को जीतने में मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को इस संसार में ना तो अच्छा बनने में ना बुरे बनने में रुचि रखनी चाहिए। इस भौतिक जगत में तथा कथित अच्छाई और बुराई एक सी हैं, क्योंकि ये प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को प्रकृति के पार जाना होता है, यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठान भी प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न होते हैं। अतएव कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी, त्रिगुण विषया वेद, निसृत गुणो भवार्जुन, मृदंदो नित्य सत्पस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सबों से परे हो, समस्त द्वंद्वों से, लाभ हानि की चिंताओं से मुक्त हो तथा आत्मा में स्थित हो। भगवद गीता 2.45। भगवान ने भगवद गीता में अन्यत्र भी कहा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। यदि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है, अर्थात यदि वो सतोगुणी होता है, तो वो स्वर्ग को जा सकता है। इसी प्रकार यदि वो रजोगुण या तथा तमोगुण से दूषित होता है, तो इसी जगत में बना रह सकता है या फिर पशु जगत में गिर सकता है। किंतु ये सारे पद आध्यात्मिक मोक्ष के पथ पर में अवरोध हैं। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि इस तथा कथित अच्छाई तथा बुराई को पार कर जाए और कृष्ण तथा गुरु की कृपा से भक्ति के पद पर पहुंच जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस संबंध में उसे अत्यंत साहसी होना चाहिए, जिससे वो कृष्ण भावनामृत के शत्रुओं को पराजित कर सके। इस जगत में अच्छे तथा बुरे की परवाह न करते हुए डटकर कृष्ण भावनामृत थोड़ा सा ऊपर कर दें तो, आप प्रचार का करना प्रचार चाहिए। करना चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लग रहा होगा इसमें पढ़ करके सुन के कि अच्छा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप कृष्ण भावना मृत में आते हैं, यानी अगर आप भक्ति मार्ग अपनाते हैं, आप में तो दैवी गुण अपने आप ही आ जाते हैं। आप गलत काम कर ही नहीं सकते, अच्छे आप अपने आप बनते हो। अच्छे बनने के लिए हम कभी क्यों कोई हमारी तारीफ करता, हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं, अरे हाँ, ये मुझे ऐसा ही करना चाहिए कि इसमें तारीफ होती है। ये खराबी है, ये अच्छा ही नहीं है।
क्योंकि हम बध जा रहे हैं इन चीजों से, बधना नहीं है। तो अब अपने आप ही आप, क्योंकि आप वैष्णव बनोगे, तीनों गुणों को लाग गया वैष्णव बने। वैष्णव तो सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो किसी के लिए, उसमें तो सारे दैवी गुण आ जाते हैं, तो खराब कहाँ रहा हो। लेकिन अच्छा बनने का कोशिश नहीं किया उसने, नहीं वो चाहता है कोई उसे कहे वो अच्छा है। अमानी ना मान देना, अपना मान चाहिए ही नहीं, उन चीजों में पढ़ना ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा, अच्छी तरह से प्रभुपाद ने बताया। और ये इसमें ये आपको लग रहा होगा कि अच्छा बनना खराब है, नहीं, अच्छा बनने की कोशिश खराब है। अच्छे तो आप अपने आप बन जाते हैं अगर आप कृष्ण भावना में आते हैं। या वत एक नौ तो में बदल गया, यावत् निकाय रथम आत्म आत्मवसो आत्मवस उपकल्पम धत्ते गरिष्ठ चरण अर्चनया निषातम ज्ञान ज्ञान असीम अच्युत बलो दधत् दधत् अस्त शत्रु स्व आनंद तुष्ट उपशांत इदम विजयात। मेरे साथ पढ़िए, यावत् नृकाय रथम आत्म वस उपकल्पम। यावन्निकाय बहुत गजब, बहुत बढ़िया। धत्ते गरिष्ठ चरण अर्चनया निषातम, निषातम ज्ञान असीम अच्युत बलो दधत अस्त शत्रु हो। बहुत ही अच्छा। स्व आनंद तुष्ट उपशांत इदम विजयात। शब्दार्थ, यावत जब तक निरिकार यह मनुष्य शरीर रथम रथ रूप आत्मवश अपने नियंत्रण पर आश्रित उपकल्पम जिसमें अनेक अधीन अंग हैं धत्ते धारण करता है, गरिष्ठ चरण श्रेष्ठ गुणजनों के चरण कमल अर्चनया सेवा करके निशातम तेज की हुई ज्ञान असीम ज्ञान रूपी तलवार या हथियार अच्युत बल कृष्ण की दिव्य शक्ति से दधत पकड़कर अस्त शत्रु जब तक शत्रु पराजित न हो जाए स्व आनंद तुष्ट दिव्य आनंद से पूर्णतया संतुष्ट उपशांत समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध चेतना इदम इस शरीर को विजय्या त्याग दे। मेरे साथ पढ़िए, जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा इसके विभिन्न अंगों तथा सामान सहित सामान सहित को पूर्णतया अपने बस में नहीं है, जो पूर्णतः अपने बस में नहीं है स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, तब तक उसे तब तक अपने श्रेष्ठ जनों अपने श्रेष्ठ जनों अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्तियों अपने पूर्व अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्तियों नहीं गुरु के पूर्ववर्त भक्ति व्यक्तियों के व्यक्तियों के आचार्यों के चरण कमल पूर्ववर्तियों से, व्यक्तियों कहने की जरूरत नहीं है, फिर पूर्ववर्तियों कहें गुरु के पूर्ववर्तियों या गुरु के पूर्ववर्त व्यक्तियों के चरणों को धारण करना चाहिए। चरण कमलों को धारण करना चाहिए। हाँ, तो फिर जो गुरु कहें वही करना चाहिए, उनकी कृपा से उनकी कृपा से वो ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है, वो ज्ञान की ज्ञान की तलवार को तलवार तेज कर कर सकता सकता है। है, और भगवत कृपा के बल पर
और और भगवत भगवत प्रतापी के बल पर, बल पर तब वह उपर्युक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। तब वह उपर्युक्त उपर्युक्त शत्रुओं को शत्रुओं पराजित को कर सकता है। पराजित कर सकता है। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में इस इस प्रकार प्रकार भक्त को भक्त को अपने अपने दिव्य आनंद में दिव्य आनंद में लीन लीन रहने में समर्थ होना चाहिए, रहने रहने में समर्थ में होना होना चाहिए। चाहिए और तब वो अपना शरीर त्याग कर, और तब वो और अपना तब शरीर अपना त्याग शरीर अपनी त्याग कर आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है, अपनी आध्यात्मिक अपनी पहचान। आध्यात्मिक। हाँ, जब इस प्रकार भक्ति से अपने ही दिव्य आनंद, जब भक्ति में आप लगेंगे, जब आपको एक बार दिव्य आनंद मिल गया, आप तो छोड़ेंगे ही नहीं, कि आनंद तो चाहिए ना, हमारी तो जो आकांक्षा है आनंद प्राप्त कर। और आनंद प्राप्त तभी हो सकता है जब हम शांत हो जाए, कि हमारी ये जितने ये इच्छाएं हैं शांत, इनके सारा त्याग हो जाए और आपको भगवान में के चरण कमलों में आप तीर फेंक रहे हैं अपना हरे कृष्ण महामंत्र का, और भगवान ने आपके ऊपर हाथ रख दिया, आपको एक आनंद मिला, दिव्य आनंद। वो आनंद आपका कभी कम होने वाला नहीं है। फिर आप उस आनंद को छोड़ के भौतिक जगत का आनंद क्यों लेना चाहेंगे, ऐसी अवस्था आ जाएगी। तात्पर्य माता जी, कृष्णा अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। ये जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और मानव शरीर इसी उद्देश्य के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूले नभस्त्वतेरितम। निज ऊपर करिए प्रभु जी। भवाब्धिम न तेरथ आत्महा। यह मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान नाव है, गुरु इसका कर्णधार है। गुरु कर्णधारम जो अज्ञान सागर के पार ले जाने में नाव का मार्गदर्शन करने के लिए है। कृष्ण का उपदेश अनुकूल हवा है, मनुष्य को अज्ञान सागर पार करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही कर्णधार है, अतएव गुरु की सेवा निष्ठा पूर्वक की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। यहाँ पर अच्युत वलाह शब्द महत्वपूर्ण है। गुरु निश्चय ही अपने शिष्यों पर अत्यंत कृपालु रहता है, अतएव उसे प्रसन्न कर लेने पर शिष्य को भगवान से बल मिलता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे वो बल प्राप्त हो जा सकेगा, जिससे अज्ञान के सागर को पार किया जा सके। यदि कोई सचमुच भगवत धाम वापस जाने का इच्छुक है, तो उसे गुरु को प्रसन्न करने करके काफी बलशाली हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी उस शत्रु को जीतने के लिए हथियार मिल सकेगा और साथ ही मिलेगी कृष्ण की कृपा। केवल ज्ञान रूपी हथियार पा लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने गुरु की सेवा करके तथा उसके आदेशों का पालन करके इस हथियार को तेज करना है, तभी उसे भगवान की कृपा मिल सकेगी। सामान्य युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने रथ तथा घोड़ों की सहायता लेनी होती है, और शत्रु को जीत लेने पर ये रथ तथा सारा सामान साज सामान खोआ जा सकता है। इसी प्रकार जब तक यह मनुष्य देह है, तब तक इसका पूरा पूरा उपयोग जीवन की परम सिद्धि को पाने भगवत नाम वापस जाने के लिए करना चाहिए। ज्ञान की सिद्धि ब्रह्मभूत होने में है, जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति तमः सर्वेश भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है, उसे तुरंत परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वो परम प्रसन्न हो जाता है। वो किसी चीज के लिए न तो शोक करता है न इच्छा करता है, वो समस्त जीवों पर संभाव रखता है। ऐसी दशा में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। निर्विशेषवादियों के समान ज्ञान के अनुशीलन मात्र से माया के चंगुल से नहीं निकला जा सकता,
उसे भक्त का पद प्राप्त करना होता है। भक्त्या भक्त भक्तया माम विजानाति यावन्यक्षा स्मृतात्वतः ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथार्थ रूप से समझा जा सकता है, और जब ऐसी भक्ति से कोई परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहता है तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवद गीता 18.55। जब तक भक्त की अवस्था और गुरु तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक नीचे गिरने तथा फिर से भौतिक शरीर धारण करने की संभावना बनी रहती है। अतएव कृष्ण भगवद गीता में बल देकर कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर तत्त्वतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वास्तव में, ततो माम तत्त्व तो ज्ञात्वा। जब तक कोई गुरु की कृपा से कृष्ण को वास्तव में समझ नहीं लेता, तब तक वो अपने भौतिक शरीर को त्यागने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जैसा कि कहा गया है, आरुहि किच्छेण परम पदम तथा तथा पतंत धयोनादृत। यदि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने में लापरवाही करता है, तो केवल ज्ञान के बल पर भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यदि उसे ब्रह्म पदम ब्रह्म में तादात्म्य की अवस्था भी प्राप्त हो जाए, तो भी भक्ति के बिना वो नीचे गिर सकता है। उसे फिर से भव बंधन में गिरने के खतरे से सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई गारंटी है तो यही है कि भक्ति अवस्था को प्राप्त हुआ जाए, जहाँ से कभी भी गिरना नहीं पड़ता, तब वो भौतिक जगत के कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। संक्षेप में, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत की परंपरा में चले आ रहे प्रामाणिक गुरु से संपर्क करें, क्योंकि उसी की कृपा तथा उसी के उपदेशों से कृष्ण से बल प्राप्त हो सकेगा। इस तरह भक्त करने से जीवन का चरम लक्ष्य विष्णु के चरण कमल प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में ज्ञानासीम अच्युत बलहा शब्द महत्वपूर्ण है। ज्ञानासीम अर्थात ज्ञान रूपी तलवार कृष्ण को द्वारा दी जाती है, और जब कोई कृष्ण के उपदेश रूपी तलवार को पकड़ने के लिए गुरु और कृष्ण की सेवा करता है, तो बलराम उसे बल देते हैं। बलराम नित्यानंद है, विजेंद्र नंदन यही शुच सखी सुत हैल फेई बलराम हा इल निताई। ये बल अर्थात बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आता है, और ये दोनों इतने कृपाल हुए कि इस कलयुग में कोई भी सुगमता से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। वे विशेषकर इस युग की पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। पापी तापी यत छिल हरिनामे उद्धारिल, उनका हथियार संकीर्तन या हरिनाम है। इस तरह मनुष्य को कृष्ण से ज्ञान रूपी तलवार का ग्रहण करके बलराम की कृपा से बलिष्ठ बनना चाहिए। इसीलिए हम वृंदावन में कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा बलहीने लभ्यो न च प्रमादात तप तपसो बाप्य लिंगात एतई रूपाई रूपार यही हतते यस्तु विद्वान तस्थई तस्थई आत्मा विष्टे ब्रह्मधाम। बलराम की कृपा के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, निताई ये करुणा हवे ब्रिजे राधा कृष्ण पावे। जब नित्यानंद अर्थात बलराम की कृपा प्राप्त होती है, तो राधा कृष्ण के चरण कमल आसानी से मिल जाते हैं। से संबंध नाही यार व्यथा जन्म गेल तार विद्या कुले की करीबे तार। यदि किसी का निताई अर्थात बलराम से कोई संबंध नहीं होता, तो भले ही ज्ञानी हो अथवा सम्मानित परिवार में जन्म हो, उसकी ये संपदाएं काम नहीं आती। अतएव हमें बलराम से प्राप्त हुए बल द्वारा कृष्ण भावना में के शत्रुओं को जीतना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। कोट के प्रणाम। होगा माता जी, एक श्लोक और बड़ा बड़ा है प्रभु जी। हाँ है ना? ठीक है, प्रभु जी, तो ये तो क्या करना चाहिए? भगवान की आराधना करते हैं, बलराम क्यों जरूरी है, बल देते हैं, क्योंकि एक दो चीज अगर आप भगवान बलराम को खुश करते हैं, तो भगवान बलराम की आराधना करते हैं, तो कृष्ण का प्रेम हमको मिलने में सहूलियत होती है, कृष्ण प्रेम पाने में। जैसे राधा के कुछ लोग राधा के थ्रो जाते हैं, राधा की भक्ति करते हैं,
क्योंकि राधा खुश हो गई तो कृष्ण खुश न हो ही नहीं सकता। इसी तरह यहाँ पर बलराम के लिए भी कहा गया है कि अगर बलराम की स्तुति करते हैं तो हमको कृष्ण पाने में, कृष्ण का प्रेम मिलने में सहूलियत होती है। ये बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणीकृतचारिणे निर्विषये सरसंन्यवादे पाश्चाद्य सत्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी कुछ कर...